अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। तकरीबन महीना डेढ़ महीने बाद आयरलैंड से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंड पाकिस्तान से वापस आया हूँ छुट्टियाँ गुजार के। एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड में आया हूँ। मौसम काफ़ी ठंडा है इस वक्त, मैंने जैकेट पहना हुआ है और शाम का टाइम है। ये देखिए हवा चल रही है बहुत प्यारी, बहुत ठंडी और गहरे बादल है आसमान में। अच्छा, एक MRCP के हवाले से एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट अगेन, क्योंकि अभी काफ़ी सारे डॉक्टर से बात हुई है रिसेंटली जिन्होंने MRCP एग्ज़ाम दिया हुआ है। उनमें से बहुत कम लोग पास हो गए, MRCP पार्ट वन की बात कर रहा हूँ, और ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए हैं उसमें। उसकी एक बड़ी वजह है, मैं जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ऐसा है कि MRCP पार्ट वन के लिए तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि MRCP UK जो है उसका तो स्टडी मटेरियल वगैरह वो सब ज़्यादा लोगों को पता होता है, लेकिन MRCPI जो है आयरलैंड वाला उसका इतना ज़्यादा पता नहीं होता लोगों को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि MRCPI पार्ट वन के बारे में आप लोगों के साथ बात करूं। देखिए, ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो आप लोग अगर आयरलैंड आने का इरादा है तो आप पाकिस्तान से भी MRCPI पार्ट वन पार्ट टू एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप लोग सर्च करें MRCPI इन जनरल मेडिसिन या PET जो भी है, वो आपका एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल है और फीस वगैरह वो आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसको आप बुक करेंगे। हर साल में तकरीबन 3 मरतबा एग्ज़ाम होता है और वो ऑनलाइन होता है। तो आपने एग्ज़ाम बुक कर लिया, फिर स्टडी मटेरियल उसके लिए आपको के पास कम से कम 3 महीने होने चाहिए। 3 महीने की तैयारी इज़ मोर देन एनफ। अगर इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन 3 महीने की तैयारी ज़रूरी है। उसमें स्टडी मटेरियल जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैंने पढ़ के एग्ज़ाम को पास किया है, वो है BMJ ऑन एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पास मेडिसिन या पास टेस्ट अच्छा है। तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग BMJ ऑन एग्ज़ामिनेशन ज़रूर पढ़ें, उसको अच्छी तरह स्टडी करें। उसके साथ अगर आपके पास टाइम है तो पास मेडिसिन या पास टेस्ट आप लोग ट्राई कर लें। इन एडिशन टू BMJ ऑन एग्ज़ामिनेशन यू कैन स्टडी पास टेस्ट और पास मेडिसिन, वट एवर यू वांट, लेकिन BMJ ऑन एग्ज़ामिनेशन पढ़ लें, आप लोग एग्ज़ाम पास कर लेंगे इंशाल्लाह। एक 2-3 बंदों से अभी रिसेंटली बात हुई है, तो एक ने मुझे कहा कि मैंने तो पास मेडिसिन और पास टेस्ट दोनों अच्छी तरह स्टडी की थी, लेकिन मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, कुछ मार्क से रह गया हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप BMJ ऑन एग्ज़ामिनेशन इस बार पढ़ लें। इसी तरह एक 2 बंदों ने BMJ ऑन एग्ज़ामिनेशन पढ़ा था, मैं ख़ुद BMJ ऑन एग्ज़ामिनेशन पढ़ा था, और एक मरतबा पढ़ के मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कम से कम 3 महीने की प्रिपरेशन होनी चाहिए, एंड द बेस्ट स्टडी मटेरियल इज़ BMJ ऑन एग्ज़ामिनेशन। इसके अलावा अगर आप पास मेडिसिन या पास टेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग साथ में वो भी कर सकते हैं। ये MRCPI पार्ट वन के हवाले से बात हो गई, इंशाल्लाह पार्ट टू के बारे में भी बात करेंगे, और फिर जो क्लिनिकल एग्ज़ाम है पेसिस, उसको कैसे पास करना है, और इन सब के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियोज़ में। आप लोग वीडियोस देखते रहें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा मेरी वीडियो से। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा,
अल्लाह करे कि आप लोग अपने तमाम नेक मकासद में कामयाब हों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।